मैं मर जाऊंगा। ग्रीन चिली जो है ना, इसकी ग्रीन चिली माइन खाएगा, मासा कुछ भी नहीं। Welcome back to our channel Masa Tuber. So we are back with another food challenge. But ये सिर्फ खाना वाला challenge नहीं है, ये बहुत ही interesting challenge होने वाला है। ये challenge का नाम आपको पढ़ के पता चल गया वो क्या है? It's a poker face challenge. इसका एक rule है इस challenge का कि हमें कोई भी 5 खट्टी चीजें हैं। खट्टी पोकर फेस चैलेंज है, पर हमने खट्टी चीज चुनी है। कोई भी 5 हम खट्टी चीज खाएंगे सेम, और 10 सेकंड तक एक्सपेक्शन आपके चेंज नहीं होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, पोकर फेस होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपने कुछ खाया नहीं, मतलब ऐसा भी है मेरा, कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए 10 सेकंड तक। गाइस आपको ये पता है कि खट्टा खा के किसका चेहरा चेंज नहीं होता है, सबके एक्सप्रेशन चेंज डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए हम ट्राई करने वाले हैं। डिफिकल्ट है थोड़ा सा, एंड हमारे फ्रेंड्स तो हमसे भी ज्यादा कमाल के हैं, वो ऐसे इंग्रेडिएंट लेके आए हैं हमारे लिए, हम क्या ही बताएं आपको। सो या आई होप आपको ये चैलेंज पसंद आएगा, हमारी जोड़ी भी। और अगर आपको ये चैलेंज पसंद आए तो पहले लाइक कमेंट के लिए बोलने लग जाती है। कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं चैलेंज में जल्दी। ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। खट्टी चीज मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और मैं इसको बहुत पसंद है। खट्टी चीज। तो मैं पूरा अपना बेस्ट दूंगा कि मैं जीतूं इससे चैलेंज। ठीक है, सो या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कमेंट भी कीजिए कि हमें और कौन से चैलेंज करने चाहिए। तो देखो हमारे पास बहुत सारा सामान है, आंवला, लेमन, कच्ची इमली, इमली, और ये तो आम का अचार, ड्राई अचार है विद सो मच क्या कहते हैं ये रेड चिली फ्लेक्स, और मतलब सब कुछ आप सोच सकते हो कितना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है चिली विनेगर। इसकी हमने अब तक सील भी नहीं खोली, लोगों को लगता है कि इसमें पानी वानी मिला दिया, इसलिए अभी सील बंद ही है। हम इसको अभी जस्ट परचेज करके लाए हैं, हमारे दोस्त हमारे लिए, हमारे दोस्त बहुत सपोर्टिव कमीने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं चैलेंज, ठीक है। टाइमर मेरे साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूंगा, 10 सेकंड हाँ मेंटेन करना है हमको। सो सबसे पहले आंवला से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लेमन से स्टार्ट करें। आंवला खट्टा भी है, कड़वा भी है, सब कुछ है। चलो ठीक है दोनों एक साथ करेंगे। हाँ साथ ही करेंगे, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। प्योर आंवला, कच्चा आंवला, कोई अचार नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर आंवला है कच्चा। अभी हमने काट कर रखा था इसको। आंवला खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। पांडे गाइस हमारे सामने हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं, मेरे को तो एक्सप्रेशन उन्हीं से ही देख के चेंज हो रहा था। तो गाइस फर्स्ट स्टेज आप बताइए कि हमारे साथ तो हमने दोनों ने क्लियर कर लिए, दोनों बराबरी पे था, बिल्कुल किसी का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। मेरा एक्सप्रेशन चेंज नहीं था, स्माइल थी जस्ट बिकॉज कि हमारा फ्रेंड सामने बैठा हुआ था, बट कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया था मैंने। अब मैं उसको देखूंगी ही नहीं। तो अब है जो सेकंड स्टेज है वो है लेमन के लिए। मुझे लगता है सबसे ज्यादा टफ है, एंड ये वाला चैलेंज गाइस मेरे भाई ने भी किया है, फहीम जोन ने, तो सबसे पहले किया। इसको मतलब कैसे ड्रॉप डिप करना है, मतलब अरे रुको मेरे भाई की बात हो रही है पहले। अच्छा उसके चैनल का प्रमोशन हो रहा है, उसके चैनल को प्लीज जाके देखिएगा, वो भी बहुत हार्ड वर्क किया। ये आइडिया वहीं से मिला था, लेमन ये आइडिया सच में मेरे को उसको देख के मिला था, पोकर फेस चैलेंज। चलो ठीक है, अब लेमन स्टार्ट करें। लेमन इसको लेना कैसे, चबाना पूरे को छिलके समेत रख के। हां छिलके समेत चबाना है। यार मुझे क्यों लग रहा है ये वाला मैं हार जाऊंगा, ये कड़वा भी होता है, बहुत गंदा कड़वा। लेमन से खट्टी चीज कोई होती नहीं है। ठीक है स्टार्ट, 10 सेकंड टाइमर, 1 2 3 स्टार्ट। मुझे आंख में से आंसू आ गए। मम्मा कितना गंदा था ये, तुम अभी तक मुंह में रखे हुए हो। टेस्टी था गाइस, मुंह का टेस्ट बदलने के लिए थम्स अप। खा लो पी लो। तुम्हारा भाई जीत गया यहाँ पे। सेकंड की बात हो रही थी, कौन कितना लास्ट करेगा ये बात नहीं हो रही थी यहाँ पे। ये देखो इसकी हालत मैंने कैसे कर दिया। नेक्स्ट वाला इट्स वेरी इजी यार। अब ये अगर लेमन हम झेल गए तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगा कि हम ये दोनों चीज भी कर जाएंगे। ये पूरी नहीं खानी ना। हाँ वन एक बाइट इमली का। नेक्स्ट जो हमारे पास आइटम है वो है इमली। गाइस लड़कियों को बहुत पसंद होगी है ना। ये मैंने इमली आज तक कभी टेस्ट नहीं की, मुझे नहीं पता इसका इमली का टेस्ट कैसा होता है। ये मैं पहली बार बस चैलेंज जीतने के लिए टेस्ट करने वाला हूँ। मैंने आज तक कभी टेस्ट नहीं किया। लेमन तो इतना बुरा था ना, मैं जानता हूँ मैंने कैसे अपने एक्सप्रेशंस को रोका है, बहुत ही बुरा। बट आई लाइक, अब तक लग रहा है अजीब सा करंट सा लग रहा है शरीर में। अब तक मैंने तो अपने मुँह का टेस्ट यार कोल्ड ड्रिंक पी के ठीक कर लिया, तो आई एम ओके। ओके स्टार्ट करते हैं। 11 सेकंड का टाइमर मैंने लगा दिया। टाइमर लेट पहले रख के फिर काउंटिंग स्टार्ट करनी है। पहले रख इसको फेस में रखना है, ठीक है। अगर उल्टी आ जाएगी तो अबे क्या है इमली और कटोरी से कटोरी कटोरी कुछ निकालने के लिए। तुमने वॉमिट क्यों किया गंदे आदमी? ये पता है इसने लास्ट वाली में जो इमली के अंदर जो बीज होते इतने बड़े बड़े वो बेचारे के गले में अटक गया था। इसको निकाला है मैंने बीज से मार मार के। अरे आप क्यों मार रहे हो? फेस चेंज हुआ था, हमारा एक्सप्रेशन कुछ चेंज हुआ था मुझे लगता। मैं तो झेल गया था, बाकी मैंने उसको वॉमिट कर दिया। मेरा मेरे बस की नहीं था, मैंने वॉमिट कर दिया। सबसे ज्यादा अगर कोई टफ था ना मेरे लिए अभी तक का तो वो आंवला और वो था, वो लेमन था। मेरे लिए ये था इमली। इमली बहुत ही बेकार है टेस्ट में। पता है कैसे पसंद होती है तुम्हें यार, बहुत ही गंदी है यार इमली। I can't tolerate इमली। आज तक जिंदगी में नहीं खाया कभी। अमरक तक खिलाया है वो दैट ग्रीन वाला फ्रूट होता है ना, वो स्टार की शेप में होता है, जो हमारे आज तक उस व्लॉग में भी खाया था। कौन सा वाला व्लॉग में खाया था हमने? वहाँ पे ऑटक्स वाले व्लॉग में खाया था। हाँ राइट। अब 3 स्टेज तो हम दोनों बराबर लेवल चल रहे हैं। मुझे लग रहा है टाई होने वाला है। ये टाई होगा। मैं पहली बार फूड चैलेंज में हार नहीं रही। तो ये जो नेक्स्ट आइटम जो है ये है आम का अचार। कच्चे आम का अचार, ड्राई अचार। और इसमें साथ में ये पूरे में लाल मिर्च और नमक और खट्टा खट्टा कुछ है, जीरा वीरा आई डोंट नो क्या, बहुत सारे मसाले देखते हैं। पता नहीं क्यों मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ चैलेंज। थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स सिड क्रिएशन एंड सैफ क्रिएशन सैफ खान ठीक है। तो वो हमारे लिए लेके आए। मैं आम का अचार वैसे खाते हो आप घर पे? आम का अचार तो पसंद है, पर ये नहीं, इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक अचार नहीं खाना, 2 अचार खाना है। ये रहा 2 अचार। मैं ये देख लीजिए, ये रहा 2 अचार। दो ओके। टाइमर मुंह में रख रहे हैं हम। टाइमर ओके 3, 2 और चबाना भी है इसको शायद। हाँ ठीक है 3, 2, 1 मैं अब तक चबा रहा हूँ शाम को अचार को, इसने थूक दिया। नहीं मैं निकल गई पानी के साथ। हाँ इसने पानी पी लिया ऊपर से बाद में। अब तक चबा रहा हूँ उसे। इससे टेस्टी मेरी इमली थी। ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खट्टा आंवला था, पर उसके बाद नींबू निकला। नींबू के बाद वो चीज इतनी बेकार निकली और अब ये सोचा था ये टेस्टी हो गई तो उससे भी खट्टा निकला यार। नहीं दिस इज सो टेस्टी एंड सो खट्टा। जो भी हमने आम का अचार खाया बहुत ज्यादा ही खट्टा और साथ में तीखा भी। तो गाइज ये है 5th और लास्ट आज के चैलेंज का, और शायद सबसे बेकार आइटम भी यही होने वाला है। नहीं सिरका। ये देखो ये सिरका, इसके अंदर इमली आपको दिखाई दे रही है ऐसी कच्ची। इमली नहीं है वो, क्या है वो ग्रीन चिली है, इमली। कुछ भी। ओह, इसके अंदर ग्रीन चिली भी है, चिली भी नहीं, सिर्फ ग्रीन चिली है। तो इसको सील देखो आपके सामने खोल रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों ने अगर मेरे शायस्ता ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं हर खाने के साथ सिरका खाती हूँ। मैं एक एक बाइट, हम ये भी क्यों ना ले? नहीं, ये चैलेंज में नहीं है, ये चैलेंज में नहीं है, ये चैलेंज में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है चैलेंज में। इसको साइड निकाल दो भी। अरे ये तो बहुत गल गई है, शिट। अरे गली हुई है बिल्कुल ही। अच्छा लाओ, मेरे को इसमें पोर करो। गाइस देखो, ये पूरा यहाँ तक टॉप तक पूरा भरा हुआ था, इतना शायर ने ले लिया है, मैंने इसमें लिया है अपने इसमें छोटे से कप में। और इतना ही एक सिप मैं इसकी लेने वाला हूँ, चिली विनेगर। मुझे लगता कि भाई ये मैं कर पाऊंगा बिल्कुल भी, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं, नहीं। मैं डैश हूँ जो ये चैलेंज करने आया। डैश का आप निकाल लीजिए मीनिंग। मैं डैश हूँ ये करना आया चैलेंज। ओके ओके, चलो गाइस लास्ट है, देखते हैं मैं इसमें हारने वाला। मुझे ये चैलेंज देखने में मजा आ रहा होगा गाइस। पहले पियो। ओके, 1 2। मैं जीत गया ऐसा चैलेंज। इस लास्ट में मैं जिसमें सोचा था मैं हारने वाला हूँ वो मैं जीत गया। नहीं 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 नहीं, आपके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, स्माइलिंग आई थी, मैंने लास्ट कनिंग स्माइल थी मेरे पास, ऐसे थी कनिंग स्माइल तो थी ना मेरे। आप तो पूरा हंस के पड़े यार। मैं झूठ नहीं बोलती हूं बिल्कुल। मैं सच बताऊं, मेरे को सामने बैठे हमारे जो फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने हंसाया है, मैं नहीं हंस रही थी। मैं अब बहाने तो लगेंगे लगेंगे। मैं हारी हूं, मैं एक्सेप्ट। हां हारे हो और मैं जीत गया हूं। बताओ, खट्टा इसको इतना पसंद था, मैं उसमें जीत गया यार। मास्टर टीवर कुछ भी कर सकता है चैलेंज जीतने के लिए। चल ठीक है, एक एक शॉट लगाओ। नहीं, इसकी मर जाऊंगा। ग्रीन चिली जो है ना, इसकी ग्रीन चिली मांग खाएगा। मासा कुछ भी कर सकता है। नहीं, जीत रहा है तो जीत गया ना, अब जीत गया। तो गाइस अब आप डिसाइड करो जीता कौन है। मेरे हिसाब से तो मैं जीता हूं। ये पागल हो गई लड़की भाई, इसके हिसाब से मैं जीती हूं। तो गाइस अब आप कमेंट में डिसाइड कीजिए कौन जीता है। हां, सो टेस्टी यार, ये विनेगर बहुत मजे का है। तो आप घर ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। चिंग्स सीक्रेट। वाओ वाओ, अच्छा सॉरी करें। तो गाइस, ओके गाइस, कमेंट कीजिए कि हम आगे और भी कौन से चैलेंज करें जो हम कर सकते हैं, जिसमें मैं जीत सकता हूँ। ऐसे चैलेंज बताना जिसमें मैं जीत सकता हूँ। गर्ल्स गैंग हो तो प्लीज मुझे बताना कि मैं गर्ल्स गैंग ही है कि मैं जीतू। वैसे जीती मैं हूँ, मतलब आप गेम के थ्रू मत देखना, वैसे देखना। हाँ, वैसे देखना, वैसे देखना, सच में वैसे देखना। तो कमेंट करके बताइए कि जीता कौन है और आगे हम कौन से चैलेंजेस कर सकते हैं या करें। और आई होप आपको ये हमारा पोकर फेस चैलेंज पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिए। चाहे विनेगर फेंक को मारो, चाहे इमली फेंक के मारो, बस प्रेस हो जाना चाहिए। आपको नोटिफिकेशन आती रहनी चाहिए। पता मुझे क्या, कमेंट में करके बताइएगा मैंने किस स्टाइल में बोला है। सो गाइस यार, हम तो दे सकते हो हमारे चैलेंज के लिए। इतना स्ट्रगल किया, पता अब तक मेरे को महसूस हो रहा है खट्टापन पूरे शरीर में। मैं इनके लिए बड़ी मेहनत है क्योंकि मैं ये सब खाता नहीं है, मैं तो खाती रहती हूँ, तो मेरे को तो आदत है। तो या मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज या ब्लॉग में। बाय बाय। चुम्मी कर दो।